संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता से उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्माओं को ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 13 सितंबर 2020 और रिवाइज कोर्स हैं 22 मार्च 86। आज की मुरली का हेडिंग है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठन रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। आजकल किसी को भलहाइनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देंगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाई, सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्वकापिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को भी कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है ना, वा मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है, पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हुई हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने का कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति
सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन तो अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं ही स्वतः ही आ जाती है, जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही आ जाते हैं ना। कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह, इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तखत भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तक तनशीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तखत भी न्यारा। बादशाह ही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। और कुछ भी नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दोनों चीज़ें तो है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है। और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौना बनकर आती हैं, खेलने के लिए आती हैं, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी क्या कमी रही? भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान हैं। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बातें छोटी हो जाती हैं। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की तरह से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी के समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना।
आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही हैं। धर्मी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की विशेषता है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं, एक ने कहा और दूसरा कहे, यह तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं, मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश हो जाते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पासिव ऑनर बन जाती हैं या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती हैं। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार आना और मिटाना इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप में पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ते कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित आत्मा भी ऐसी मिली है। बाबा ने डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए बोला, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हैं, यह भी ज़रूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती, यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना,
तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का संग तो लगता ही है, और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर्स खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उसमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वह श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो सब बन रहे हो ना, संपन्न बन गए यह सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि हिम्मत वाली हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले होना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, अभी बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों से चुने हुए महावाक्यों में से प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? तो उसका उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठित रूप में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के कारण अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के आगे शक्ति सेना का नाम बाला होगा। दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब होगा? तो उसका उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। तीसरा प्रश्न है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा? तो उसका उत्तर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। चौथा प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उसका उत्तर है, सारे संगठन को एकरस स्थिति में स्थित करने के लिए
सहयोगी बनना। यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। अगला पांचवा प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? तो उसका उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। अगला प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही पवित्रता को समीप लाएगा? उसके उत्तर में कहा, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? तो उसका उत्तर है, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो, तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। अच्छा, आज का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। वरदान का डिटेल है, स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहज योगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए, ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, ओम शांति।